हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एकदम ढाबा स्टाइल का आलू का पराठा। पराठा के अंदर भर भर के आलू का स्टफिंग डाला। आलू भी देखिए एकदम इवनली स्प्रेड हुआ है। ये माउथ वाटरिंग पराठा कैसे बनते हैं अभी हम लोग इसको देखते हैं। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं 2 कप गेहूँ का आटा लिया हूँ। आप घर में कोई भी कटोरी या कप से मेज़र कर लीजिए। और 1/4 कप बेसन लिया। ढाबा में यही ट्रिक अपनाया जाता है। आप चाहो तो बेसन स्किप भी कर सकते हो। स्वाद अनुसार मैंने सॉल्ट लिया और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इस आटा में धीरे धीरे पानी डालूंगी। एक साथ में पानी मत डालिए तो आटा थोड़ा गीली हो सकती है। अभी इस आटा से मैं एक सॉफ्ट डो बनाऊंगी जो पराठा के लिए एकदम परफेक्ट होता है। आटा को थोड़ा मैं पंच लगाते हुए रेडी करूंगी। इसमें आटा बहुत अच्छा से रेडी हो जाता है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल लिया। इसको भी आटे में अच्छा से मिक्स कर देंगे। देन इस डो को मैं 20 या 30 मिनट्स के लिए रख दूंगी ढक के रेस्ट के लिए। अभी पराठे के अंदर का आलू का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे मैं 4 मीडियम साइज का बॉयल आलू लिया। ये बॉयल आलू को हम लोग अभी पिल आउट करके इसको कद्दूकस करेंगे। अभी आलू को थोड़ा हम लोग चटपटा सा बनाएंगे तो इसके लिए कुछ मसाला मैं रेडी कर लेती हूँ। 1 चम्मच साबुत धनिया लिया। इसको मैंने रोस्ट नहीं किया, ऐसे ही नॉर्मली इसको क्रश करके आलू के अंदर डाल देंगे। 1 इंच अदरक और 2 ग्रीन चिली को हम लोग थोड़ा क्रश कर लेंगे। देन इस आलू में डाल देंगे। ये सब डालने से आलू का पराठा एकदम चटपटा सी बनती है। ये अदरक और ग्रीन चिली के साथ आपको अगर गार्लिक पसंद है तो इस स्टेज में थोड़ा गार्लिक लेके भी डाल दीजिए। अभी इस आलू में मैं 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला, 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर को फाइनली चॉप करके इस आलू में डाल दिया, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ले लिया। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल के इन सारी चीज़ को एक साथ हम लोग अभी मिला लेंगे। एकदम चटपटी सी आलू का स्टफ बन के यहाँ पे रेडी है। इन पूरी आलू से मैं कुछ बॉल बना के रख दूँगी तो जब पराठा बनाएंगे तो बार बार आलू हाथ में चिपकेगा नहीं। अभी जो आटा मार के रखा था ना उसके थोड़ा लोइया काट के हम लोग एक कटोरी के शेप दे देंगे। अपनी उंगलियों को प्रेस करते हुए आप ये कटोरी का शेप बना लीजिए। अभी आलू से एक बॉल उठा के हम लोग इस आटे की लोइया के अंदर उंगलियों की प्रेस करते हुए आलू को भर लेंगे। आप जब अपने थंब के मदद से आलू को प्रेस करेंगे तब देखिए धीरे धीरे लोइया का मुंह भी छोटा होता आ रहा है। ऐसे करके अपना लोइया का मुंह ज्वाइन कर लीजिए। अभी अपनी उंगलियों की मदद से आलू को आटा के अंदर थोड़ा सेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको बेलेंगे। 1 आलू का पराठा यहाँ पे मैं बेल लिया। दूसरे मैं एक और तरीका दिखाती हूँ। रोटी के नाप का 2 लोइया मैं यहाँ पे काट लिया। दोनों लोई को ही हम लोग बेल लेंगे। देखिए एक को बेल लिया, दूसरे को भी ऐसे ही हम लोग बेल लेंगे। यहाँ पे 2 रोटी एक जैसे ही बनेगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप बस रोटी जैसा ही बना लीजिए। अभी 1 रोटी के अंदर मैं आलू का स्टफिंग भरूंगा। यहाँ पे देखिए मैं भर भर के आलू का स्टफिंग भी डाल दिया।
ये खाने में और भी ज़्यादा मज़ा लगता है। ये पराठा ज़्यादा मज़ेदार क्योंकि इसमें आलू ज़्यादा होता है। देखिए, एक रोटी के ऊपर से मैं दूसरा रोटी ऐसे अंदर से आलू भर के चिपक दिया। इसको भी एक बार बेल लेंगे और एक फोक की मदद से चारों ओर को मैं प्रेस करते जाऊंगी। ये डिज़ाइन भी अच्छा लगता है देखने में। ये तो यहाँ पे रेडी हो गया। चलिए और एक को देखते हैं कैसे और एक शेप दे सकते हैं आलू का पराठा में। मैं थोड़ा सा लोइया ले लिया, इसको बेल लेंगे पहले। अभी इसके अंदर आलू का जो बॉल रखा था वो भी डाल देंगे। देन पहले इसको दो साइड हम लोग चिपकाएंगे। एक्चुअली ये चौकोन शेप में पराठा बनेगा। देन ऑपोजिट दो साइड को हम लोग चिपका देंगे। आप जब ये फोल्ड करेंगे ना, तब ध्यान रखिए आलू पूरा कवर हो जाए। अभी फिर से वही प्रोसेस, पहले आलू को थोड़ा हाथ से सेट कर लेंगे, उसके बाद पराठा को हम लोग बेल लेंगे। मैं यहाँ पे तीन तरीके से आलू का पराठा बन सकता है ये आपको दिखाया, तो आपको जो इजी लगे वही मेथड अपना के अपना पराठा रेडी कीजिए। मैं यहाँ पे लोहे का एक तावा लिया, उसके अंदर पराठा को सेकेंगे, वो एकदम ढाबा जैसा लुक भी आएगा। देखिए पराठा कैसे गुब्बारे जैसा फूल भी रहा है। सारे पराठा को मैं घी से ही सेक लिया। आप चाहो तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज करके आलू का पराठा रेडी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा घी में पराठा सेक के खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने घी ले लिया। देखिए ऊपर से एकदम लग रहा है ना, एकदम ढाबा जैसे पराठा, ऊपर से क्रंची और अंदर से आलू का एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी। अभी वो चौकोन शेप का जो पराठा बनाया था उसको भी हम लोग सेक लेंगे। ऐसे करके मैं पूरा पराठा को सेक लूंगी। देखिए पराठा कैसे गुब्बारे जैसा फूल रहा है ना, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका आलू का पराठा भी एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और बिना सब्सक्राइब करे चले मत जाइए। सारे पराठा यहाँ पे सेक के रेडी हो गया। अभी इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मा गर्म पराठा के ऊपर थोड़ा बटर डाल के एंजॉय कीजिए और साथ में थोड़ा अचार और दही हो जाए और एक कप चाय भी मिल जाए तो क्या बात है। देखिए पराठे के ऊपर से कैसे बटर स्लिप हो रहा है ना, ये देख के किसी का भी मन चाहेगा ये कप खाए। मैं थोड़ा सा सलाद भी काट लिया। मैं तो अभी चलती हूँ, आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं अभी मिलूंगी अपने कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।